दोस्तों अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हो तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप 2024 वर्ल्ड कप से दूर रहें, क्योंकि जिस तरह का गेम प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको देखने के बाद या तो आप क्रिकेट देखना छोड़ दोगे या फिर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। 22 T20 वर्ल्ड कप के नाम पर ये मैं बवासीर सिर्फ दिखा रहे हैं, ना ही मैच में मजा आ रहा है, ना ही देखने में मजा आ रहा है, ना ही 20 वर्ल्ड कप के नाम से कुछ हाइप हमें देखने को मिल रहा है। मतलब वर्ल्ड कप के नाम पर ये मैं क्या दिखा रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा। वैसे नाम तो इनका T20 वर्ल्ड कप है पर देखने से ये लग रहा है कि हम WTC का कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो। मतलब इस लेवल की पिच इन्होंने तैयार करी है कि अभी तक का हाईएस्ट स्कोर नसाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में हमें देखने को जो मिला है वो रहा है 137। वो भी बनाने वाला टीम कोई और नहीं बल्कि कनाडा है, और कनाडा के अलावा कोई भी ऐसा टीम नहीं रहा है जिन्होंने 135 से ऊपर का स्कोर इस पिच पर बनाया हो। अब आप पिच का लेवल समझ लीजिए कि किस तरह का पिच ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में तैयार किया है। और आपसे मैं एक बार क्लियर कर दूं कि यहां पे क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि T20 वर्ल्ड कप जिस टूर्नामेंट को ICC ने USA में कराकर सोचा कि वहां पे जाकर क्रिकेट को प्रमोट करवाएंगे, बट जिस तरह का कंडीशन हमें यहां पे देखने को मिल रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट को प्रमोट कराने के चक्कर में डी प्रमोट ना करवा दे, क्योंकि भाई साहब जिस तरह का पिच यहां पे तैयार किया है अगर फैंस उसको देखेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूं कि उनका क्रिकेट से भरोसा धीरे धीरे उठता जाएगा और वो क्रिकेट देखना ही बंद कर देंगे जिस तरह का मैच हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। मतलब 150 रन देखने के लिए आंखें तरस गई है उस पिच पे, या कहते उस ग्राउंड पे जहां पे हमें T20 में 250, 220, 230 देखने का आदत है, वहां पे अगर हम 120, 130 देखेंगे तो भाई तो हमें कैसा फील होगा। मतलब माना कि लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच ज्यादा मजा आता है देखने में, बट भाई सब 120, 130 ये कैसा स्कोर है, एटलीस्ट 160, 170 तक तो जाने दो टीम को। अब पता नहीं ICC को क्या सूझा जो वहां पे क्रिकेट मैच करवा रहे हैं जहां पे हाईएस्ट स्कोर भी 130 आता है। खैर करते हैं कल की मैच की बात। कल T20 वर्ल्ड कप 2024 का 21वां मुकाबला खेला गया जो कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश टीम के बीच हुआ, और इस मुकाबले में भी हमें लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला जहां पे साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 113 रन ही बना सकी वो 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे। और अगर मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा तो आप चौंक जाओगे। डिकॉक के नाम 11 गेंद में 18 रन रहा, रिजा हैंड्रिक्स के नाम 0 रन, 4 रन रहे मार्करम के नाम, फिर 0 रन रहा ट्रिस्टन स्टब्स के नाम, और हेनरिकस क्लासन भाई सब हार्ड हिटर बल्लेबाज के नाम 44 गेंदों में 46 रन रहा, और इतने हार्ड हिटर बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट जो रहा इस मैच में 104 का रहा, वो भी 44 बॉल खेलने के बाद। अब आप समझ लीजिए कि पिच का लेवल क्या है, मतलब कितनी घटिया पिच ICC ने तैयार करवाई है। वहीं डेविड मिलर ने 38 गेंदों में 29 रन बनाए। डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज 38 गेंद खेलकर 29 रन बना रहे हैं। अब इसको T20 बोलूं या फिर टेस्ट बोलूं आप ही डिसाइड करो। वहीं इनके अलावा मैग्नस जेसन के नाम 5 रन और 4 अंक रहे महाराज के नाम, और इस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम घिसते पिटते 113 रनों तक पहुंच गई। वहीं जब इस स्कोर को चेस करने के लिए बांग्लादेश की टीम मैदान पर उतरी तो उनका भी हाल साउथ अफ्रीका जैसा ही रहा। उनके तरफ से अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो हसन के नाम 9 रन रहे वो भी 9 गेंदों में। वहीं नजमुल हुसैन सैंटो के नाम 14 रन, लिटन दास के नाम 9 रन और 3 रन रहे साकिब अल हसन के नाम। वहीं 37 रन रहा तौहीद के नाम और 20 रन रहा महमदुल्ला के नाम। और एक समय पर बांग्लादेश की टीम इस मैच को काफी आसानी से जीतते हुए में नजर भी आ रही थी। मतलब एक समय पर रन ऑफ बॉल चाहिए था बांग्लादेश की टीम को, लेकिन वहां से बांग्लादेश ने इस मुकाबले को गवा दिया। दरअसल इस मैच में भारत और पाकिस्तान वाला सिचुएशन ही हमें देखने को मिला था जहां पे पाकिस्तान की टीम को रन ऑफ बॉल चाहिए थे और वहां से वो मुकाबला हार गए। उसी तरह से बांग्लादेश को भी रन ऑफ बॉल चाहिए थे और वहां से बांग्लादेश साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच को गवा दिया। और केशव महाराज की शानदार गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश की टीम 109 रन तक ही पहुंच पाई 20 ओवर में, और तौहीद और महमदुल्ला के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा जो कि बांग्लादेश की तरफ से इस मैच में रन बनाने की कोशिश करी हो। भाई साहब पिच का लेवल इतना ही घटिया तैयार कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी बल्लेबाज टिक के नहीं खेल पा रहा है। अब BCCI को यह समझना पड़ेगा कि अगर वो USA में क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो पिच की कंडीशन को थोड़ा बहुत चेंज करे और स्कोर को 130 से 160-170 तक पहुंचाना उनका काम है। अगर वहां तक वो नहीं पहुंचा पाते हैं तो क्रिकेट के फैंस को काफी बुरा लगेगा और क्रिकेट को भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि जहां पे वो क्रिकेट करवा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट को खेला कैसे जाता है और क्रिकेट के बारे में उनको बहुत ही कम नॉलेज है। इसलिए ICC को ये समझना चाहिए कि जहां पे वो क्रिकेट करवा रहे हैं वहां पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के पर्पज से मैच को करवाया जाना चाहिए ताकि क्रिकेट को प्रमोट किया जा सके, ना कि उसमें इंटरेस्ट कम किया जाए। ये ICC को समझना पड़ेगा और उनको थोड़ी बहुत पिच में सुधार करनी ही पड़ेगी ताकि मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। दोस्तों कि आपको भी ऐसा लगता है कि ICC को पिच में सुधार करवानी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत अपने घर ले जाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।